हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान चित्रकूट के बारे में। दोस्तों, एग्जाम में इस जिले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट धाम के बारे में। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित यह एक शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स, चित्रकूट जो है वो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट जो है वो भगवान राम की कर्म भूमि है। दोस्तों, भगवान राम ने वनवास के 14 वर्ष चित्रकूट में नहीं बिताए थे, उन्होंने बताए थे सिर्फ 11 वर्ष। तो दोस्तों, ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे विवरण के बारे में। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर नदियों के किनारे बसे हुए शहर पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, यह भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। दोस्तों, चारों ओर से यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे हुए चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि चित्रकूट जो है वो किन पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो वो है विंध्याचल। दोस्तों, इसके अलावा मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट, विशेषकर रामघाट और कामतानाथ मंदिर, दोस्तों ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरे साल श्रद्धालुओं का यहाँ पर फ्रेंड्स आना जाना लगा रहता है। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और अनसुईया, सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। यहाँ इसी जिले से सटा हुआ एक स्थान राजापुर है, जहाँ कुछ लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। यही रामचरितमानस की मूल प्रति भी रखी हुई है। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने देखा और जाना कि वनवास के 11 वर्ष इन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कामतगिरी के बारे में। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे हुए इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित हैं। तो दोस्तों, आप ये दोनों मंदिर नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रामघाट के बारे में। रामघाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुँचाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये राम घाट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, जानकी कुंड। राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे इस स्फटिक शिला की। जानकी कुंड से ही कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि
जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, अनुसुईया अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वने से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दंत्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा भी स्थापित है। नेक्स्ट, गुप्त गोदावरी। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ दो गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता है। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। नेक्स्ट, हनुमान धारा। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। दोस्तों सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे भरतकूप के बारे में। ये काफी महत्व रखता है। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को फ्रेंड्स भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी स्थित है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे तब भरत को अपने माता कैकेयी के व्यवहार पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए थे। इस पर भरत को काफी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थ के जलों को वही कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस चले गए। तभी से यह स्थल काफी का नाम भरतकूप पड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भरतकूप का जो है वो कितना महत्व है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वायु मार्ग। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे वायु मार्ग के बारे में। चित्रकूट का नजदीकी जो विमान स्थल है वो प्रयागराज में स्थित है। खजुराहो चित्रकूट से 185 किलोमीटर दूर स्थित है। चित्रकूट में भी हवाई पट्टी बनकर तैयार है लेकिन यहाँ से उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई हैं। लखनऊ और प्रयागराज हवाई अड्डों से भी चित्रकूट पहुंचा जा सकता है। प्रयागराज और लखनऊ से बस और ट्रेनें लगातार उपलब्ध हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे रेलमार्ग के बारे में। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूर स्थित चित्रकूट धाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज, जबलपुर, बांदा, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, रायपुर, कटनी, मुगलसराय, वाराणसी, बांदा आदि शहरों से यहां के लिए रेलगाड़ियां चलती हैं। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बसें और टू व्हीलर लिए जा सकते हैं। शिवरामपुर रेलवे स्टेशन की चित्रकूट से दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सड़क मार्ग द्वारा। चित्रकूट के लिए प्रयागराज, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, अयोध्या, लखनऊ और मैहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। शिवरामपुर से भी बसें और टू व्हीलर उपलब्ध है जो कि यहां से इसकी दूरी जो है वो मात्र 4 किलोमीटर की है। दोस्तों वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया था। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज और वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए।